हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू देखेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इसके इफेक्ट, यूजेस, डोसेस, साइड इफेक्ट, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं और डॉक्टर्स आपकी किन बीमारियों के लिए आपको ये सजेस्ट करते हैं। साथ ही में इसकी कंपनी से लेके इसके प्राइसिंग तक आज हम इसका पूरा रिव्यू देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डायोफ डीसी इस सस्पेंशन की। ये जो सस्पेंशन है, ये बच्चों में यूज होने वाली दवाई है और इसके अंदर दो कंटेंट कॉम्बिनेशन से बनी हुई दवाई है। सबसे पहला जो है वो है ओफ्लॉक्सासिन और दूसरा जो है वो है मेट्रोनिडाजोल। ऐसे दो कंटेंट कॉम्बिनेशन से बनी हुई ये दवाई है। ये आपके बच्चों में यूज की जाती है किसी भी जीवाणु या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कम करने के लिए। जैसे बच्चों में पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं और साथ ही में कान में, नाक में, गले में, फेफड़ों में इन्फेक्शंस हो जाते हैं बच्चों के, किसी घाव लगा है उनको, चोट लगी है, चोट में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, चोट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे जो भी चांसेस होते हैं इनको कम करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस जो सस्पेंशन है इसको, एक बिल्कुल लिक्विड से दवाई है तो इसके अंदर आपको एक कप भी मिल जाएगा। तो जितना भी डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं उस हिसाब से आपको बच्चों में ये देना है। अगर दिन की दो डोसेस चल रही है तो इसको समय पर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में होने वाले इन्फेक्शन होते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी घर में थोड़ा सा अवॉइड करिए, घर में यूज करना। इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए रह सकता है। तो फ्रेंड्स, एक अवधि के हिसाब से चलने वाली दवाई है। जितने भी टाइमिंग के लिए डॉक्टर्स आपको लिख कर दे रहे हैं बच्चों में, उतने ही टाइमिंग के लिए इसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको आप खाने के साथ भी बच्चों में दे सकते हैं या फिर भूखे पेट भी दे सकते हैं, लेकिन पेट की किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए इसको आपको बच्चों को कुछ खाने के बाद ही देना है। सो फ्रेंड्स, इसे लेने पर आपको 30 मिनट के अंदर अगर आपके बच्चों को उल्टी हो जाती है, इसे लेने से आधे घंटे के अंदर उल्टी हो जाती है, तो इसका और एक डोज देना जरूरी है आपको। लेकिन अगर इसको लेने से एक घंटे के बाद उल्टी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आप इसको डबल डोज दे देंगे। डबल डोज देने से बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो डबल डोज बिल्कुल भी ना दे। अगर आधे घंटे में उल्टी हो जाती है तो इसका मतलब पूरी दवाई जो है वो बाहर निकल जाती है। सो फ्रेंड्स, ये सस्पेंशन जो है वो दो एंटीबायोटिक दवाओं से बना हुआ है। ये आपके बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है, बैक्टीरिया को मारता है, उनके डीएनए को खत्म करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो वापस नहीं आते और बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक कर इनके इन्फेक्शन को फैलने से भी आपके रोक लेता है। अगर घाव में भी इन्फेक्शन बना हुआ है तो ऐसे में घाव भी जल्दी भरने लगता है। सो फ्रेंड्स, इसे बच्चों को देने से अगर बच्चों को दस्त हो तो बिल्कुल डरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कवर हो जाते हैं ऐसे प्रॉब्लम। तो उनको थोड़ा सा पानी का इंटेक ज़्यादा दे, थोड़ा सा जूस उनको ज़्यादा दे और फ्रूट्स भी आप दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी डिहाइड्रेट रहे और बच्चों में साइड इफेक्ट ज़रा कम दिखे। तो फ्रेंड्स, और भी इसमें थोड़े से साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, जैसे बच्चों में मिचली आना, उल्टी होना, बच्चों का वजन घटना, पेट दर्द, डायरिया, नींद नहीं आना, चक्कर आना और पेशाब जरा डार्क रंग की हो जाती है, पीले डार्क रंग की। तो ऐसे में अगर ये प्रॉब्लम्स हद से ज़्यादा बढ़ते हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम जो है ये कवर हो जाते हैं कुछ देर के बाद। सो फ्रेंड्स, इसे लेने के बाद आपको बच्चों में किसी भी तरह की कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स या फिर एंटासिड जैसी दवाई बिल्कुल भी नहीं देंगे 2 से 3 घंटे तक। 3 घंटे के बाद आप दे सकते हैं, 2 से 3 घंटे तक आपको इस तरह की कोई भी और दवाई बच्चों को इस दवाई के साथ बिल्कुल भी नहीं देनी है और इसका पूरा कोर्स लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज अगर आपको 8 दिन का कोर्स लिख रहे हैं डॉक्टर, 8 दिन के लिए दवाई आपको लेने के लिए बोल रहे हैं बच्चों में, तो आपको उनको पूरा देना ज़रूरी है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। तो ऐसे में बैक्टीरिया को ख़त्म होने के लिए कुछ टाइमिंग की ज़रूरत होती है, कुछ टाइम लगता है इनको ख़त्म होने में। तो ऐसे में आप इसको पूरा डोज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं बच्चों में तो भी आपको इन्हें पूरा कोर्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसे लेने से बच्चों में रैशेस हो रहे हैं, त्वचा में खुजली बहुत ज़्यादा आ रही है, चेहरे पर सूजन हो रही है, मुंह के अंदर भी सूजन आपको लग रही है, और इसे लेने से इस तरह के अगर हेवी प्रॉब्लम बच्चों में आपको नजर आते हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में आप इस दवाई को बंद कर दें और तुरंत डॉक्टर को दिखा लें। किडनी लीवर की भी अगर बीमारी है आपके बच्चों में, किडनी लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो भी आपको डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइप्स की बच्चों में बीमारी आपकी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। जेवेंटियस कंपनी की आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जेवेंटियस कंपनी की है और इसमें आपको 60 ml की एक पूरी बॉटल मिल जाएगी। 60 ml की जो बॉटल की कीमत है वो यहाँ पर मेंशन है 59 rupees 10 paisa इतनी। आप यहाँ पर देख सकते हैं
₹59.10 इसकी कीमत है, और ये जो है अभी भी एक्सपायरी में चल रही है, तो आपको इतने ही कीमत की मिलेगी। अगर ये नवी दवाई आ रही है मार्केट में तो आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव प्राइसिंग में नजर आ सकता है, और अगर किसी और कंपनी की सेम कंटेंट की दवा अगर आप लेने जाओगे तो भी आपको प्राइसिंग में जो है उतार चढ़ाव नजर आ सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इसी टाइप्स की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर हमेशा आते रहिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच।